नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आफ्ताब और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियाँ, ट्रू स्टोरी। तो आइए हम आज आपसे पूछते हैं कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारा, की करते हो? हाँ, ये राणा साजद बर्फ वाला। तो तुम कितों रह के हो? बर्फ बचत का भी आ भी जाती है, कभी नहीं जाती है। बचत मतलब ठीक है, कार चल रहा है, जान चल रहा है। जो नमाज शरीफ सी उदो ही अच्छी सी, थोड़ी तंगी दे विच आ। हुण तुसीं थोड़ी तंगी विच, मतलब की तंगी महसूस कर रहे हो? तुसीं तंगी महसूस महंगाई हो गई, बचत भी ज्यादा आंदी, प्रॉफिट भी आंदी, काम की सहूलत भी ज्यादा करने की मिल रही। डेढ़ सौ की मिल रही है। हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि पहले बर्फ की प्लानी कितनी थी और अब कितनी है। जी भाईजान, पहले एडी सी ब्लैक है, पहले वड्डी सी एडी शुरू तो के कारखाने दी बंड पुरानी हो थी। तो जी अगे तुसी कह रहे छुट्टी हो छुट्टी हो जी, पहले हुन गर्मी पै रही, पोल आ रही, छोटी आ रही, लिया जा बत्ती टिकदी नहीं, तूफान आंदा साडे कोले, वापस लेनी पहुंचदे सी, तीन तीन दिन बत्ती तो जलील हो जांदा। जी नाज़रीन आइयो, असीं मिठाई खाने आ, तुसी देखो सानू। जिन्ना तुहाडा नाम? कामरान। कामरान जी, अगर चलाओ जलेबी खाई आ सारा। नाज़रीन, इनका जो मालिक है ना, वो हमारे पास नहीं आ रहा। उसे हमने सिर्फ ये पूछा था कि ये आपको कितना अरसा हो गया है जलेबियाँ बनाते हुए, तो उसने बोला कि 6-7 माह तकरीबन हुए। तो हमने सिर्फ उसको इतना ही जवाब दिया है कि यार ये आपको सीधी निकालनी क्यों नहीं आती। उसके बाद वो ना थोड़ा सा दूर हो गया, हमसे बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो ये उसका हमसे है, इसको पता होगा। ये सीधी भी नहीं है मिठाई, और इसमें मीठा भी ज़्यादा नहीं है।